शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते बिजली के दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधीक्षक अभियंता दिलीप दोड़के को ज्ञापन दिया गया है। आज से ढाई तीन महीने पहले लॉकडाउन के चलते पूरे शहर में सन्नाटा सा था। कोई भी सड़क पे दिखाई नहीं देता था, हर तरफ सन्नाटा था। चाहे छोटे व्यवसायी हो या बड़े व्यवसायी, हर किसी की दुकानें पूरी तरह से बंद थी। इतना ही नहीं तो लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में भी इस लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आए। पिछले तीन महीने से राज्य की ओर से लॉकडाउन जारी करने के बाद लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें कई लोगों की नौकरी, जिसमें कई लोगों की जॉब हाथ से निकल चुकी है, तो कर्मचारियों को कतई पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में 75 दिन के बाद व्यापारी ने जो दुकान खोले हैं, उन्हें आए दिन बिजली के बढ़े हुए बिल मिल रहे हैं। पिछले तीन महीने से आया हुआ इलेक्ट्रिक का ये बिल, शहर के काफी नागरिकों ने इसे पूरी तरह से भर दिए है, तो वहीं कुछ लोगों ने अब भी इस बिल की रकम को कम किया जाए और यूनिट को पूरी तरह से माफ किया जाए, इस बात को लेकर उन्होंने जन आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसके चलते कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अलग अलग लेटर पैड पर अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन देकर इस और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का पुरजोर कोशिश की है। आए दिन बिजली के जिस प्रकार से दाम बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर शहर के नागरिक काफी परेशान है, ऐसे में अब राजनीति करते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो वही नागरिकों के हितों में काम करने के लिए भी कुछ नेतागण आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों की, जिन्होंने हाल ही में एक महावितरण के अधीक्षक अभियंता दिलीप दोड़के सर को एक ज्ञापन दिया है। उस निवेदन में आखिरकार क्या दिया है, ये जानने के लिए इन बिसल की टीम आज अधीक्षक अभियंता के कक्ष में है और दोड़के जी भी हमारे साथ में हैं। तो आइए हम सीधा रुख करते हुए निकल और उनसे ये जानना चाहेंगे। दोड़के साहब, ये बताइए, जिस प्रकार से आज ये विधायकों ने आपको जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन में खास तौर पर क्या बातें मेंशन की गई है? आज नागपुर बीजेपी नागपुर शहर अध्यक्ष दटके साहब और बाकी आमदार साहब कृष्णा खोपड़े साहब, विकास कुंभारे साहब, ये लोग आए थे। इन लोगों ने जो जून में अपना बिल आया है महावितरण का, उसके बारे में निवेदन दिया है। तो उनके निवेदन के आधार पर हम लोगों ने भी उनको कि वो बिल कैसा रीडिंग का है और किस तरह से वो करेक्ट है, इसका भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। उनका जो निवेदन है उसमें कुछ बावी जो है, कुछ उसमें से शासन के स्तर की विषय है, तो वो हम उनको भेजने वाले हैं। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आए दिन अखबार में जिस प्रकार की सुर्खियां बन रही है, कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने शहर के नागरिकों को कह दिया है कि अब बिल भरने की जरूरत नहीं है, इसका कहीं ना कहीं बोझ महावितरण के ऊपर में बढ़ नहीं सकता है? नहीं, मेरा ग्राहकों से निवेदन है कि उनको जो बिल आया है वो रीडिंग के हिसाब से आया है, उन्होंने उसका बिल का पेमेंट करना चाहिए। उन्होंने बिल का पेमेंट करना चाहिए, लेकिन विधायकों ने जिस प्रकार की ये जो बातचीत की है, ऐसे में विधायकों के ऊपर में महावितरण प्रशासन की ओर से कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्या? नहीं, हम कंज्यूमरों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने बिल का पेमेंट कीजिए। आपने देखिए, लॉकडाउन के दरमियान सब डिपार्टमेंट बंद थे, उस टाइम पे एक महावितरण ही ऐसा डिपार्टमेंट था जो चालू था, आपको 24 आवर उसने सप्लाई प्रोवाइड किया है। बीच में आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में बहुत बारिश हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए, फिर भी वो टाइम पर हमारे जो फील्ड का स्टाफ है जो वो प्रेजेंट था, उसने आपको 24 आवर सप्लाई दिया। तो इसलिए मैं कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बिल का पेमेंट करे और महावितरण कंपनी को सपोर्ट करे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से अभी जो बिल जो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, कई के 7,000, किसी के 6,000 आ रहे हैं और मात्र किसी को तनख्वाह 10,000, 12,000 और 15,000 होती है, ऐसे में कि शहर के नागरिक खाना खाएंगे, अपना कामकाज करेंगे, या फिर बिल में इतनी बड़ी राशि देकर कहीं उसके ऊपर में एक बड़ा संकट तो नहीं आने वाला है? नहीं, अभी जो कंज्यूमर को जो बिल आया है, आपको मालूम है कि अपना मार्च महीने से लॉकडाउन चालू हो गया था। मार्च महीने से लॉकडाउन चालू होने के कारण अपना जो आगे का अप्रैल और मई का जो बिल है वो एवरेज पे आया, और महावितरण क्या करता है, जब बिल एवरेज पे देता है तो उसके पहले का तीन महीने का जो रीडिंग है उसके बेसिस पे एवरेज तैयार किया जाता है। तो उसके जो कंज्यूमर को जो एवरेज का बिल आया वो ऑन द बेसिस ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च का जो उनका कंजम्पशन था उसके बेसिस पे आया, और कंज्यूमर का जो है जनवरी, फरवरी, मार्च का कंजम्पशन कम रहता है, इसके कारण उनको कम एवरेज का बिल आया। वेरियज अपना अप्रैल और मई में समर के कारण अपना वापर ज़्यादा रहता है वो टाइम पे, और सेकेंडली लॉकडाउन था तो उसके कारण अपन 24 आवर्स घर में ही थे, तो उसके कारण भी कंज्यूमर का वो कंजम्पशन बढ़ा है। और अभी अपन ने जून में जब रीडिंग लिया कंज्यूमर का, तो वो उसको जो रीडिंग आया उसको तीन महीने में अपने डिवाइड किया है ताकि कंज्यूमर को जो स्लैब बेनिफिट मिले,
और वो हर महीने का जो बिल है उसमें भी उसको जो स्लैब है उसका बेनिफिट दिया गया है, और उसमें से जो पुराना एवरेज का बिल है वो भी माइनस करके कंज्यूमर को जो रीडिंग के हिसाब से करेक्ट बिल है वो इशू किया गया है। कंज्यूमर को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कंज्यूमरों को जो अपने कंज्यूमर है अपने महावितरण के नागपुर में, उसमें से 90% कंज्यूमरों का मोबाइल नंबर अपने पास में रजिस्टर्ड है। उन कंज्यूमरों को ये जो अपना बिल है उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में एक SMS गया है, उसमें उसका जो लिंक है एक दिया गया है महावितरण का, उस पर लिंक में जाके कंज्यूमर अगर अपना कंज्यूमर नंबर डालता है तो उसको 3 महीने का पूरा डिटेल, जिसमें स्लैब बेनिफिट है, उसने कोई पेमेंट किया होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन है, और बाकी चार्जेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन वो लिंक पे दिया गया है। अगर आदमी उनको SMS नहीं मिला है तो आदमी महावितरण का जो साइट है www.mahadiscom.in उस पे जाके भी वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कंज्यूमर। आप देख सकते हैं कि इस समय में सर जो है आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागपुर सिटी की ओर से अधीक्षक अभियंता को ये जो ज्ञापन दिया गया है वो इस प्रकार का दिया गया है। सर मेरा जाते जाते आखिरी का सवाल ये है कि जो मीटर जो होते हैं चाइना के मीटर अधिकतर लगाए जा रहे हैं या इससे पहले लग चुके हैं, ऐसे में कितना ये फायदेमंद साबित होगा चाइना के मीटर लगाना, क्योंकि वो डिफॉल्ट ही निकलते हैं और जब कोई इसके बारे में बात करना चाहता है तो प्रमाण पत्र चाइना का दिया जाता है या भारत का दिया जाता है, क्या कहना चाहोगे? और चाइना का ये जो मीटर है ये क्या कितना ये कारगर साबित होता है लोगों के लिए? नहीं, ये गलत अफवाह है कि चाइना के मीटर लिए जाते हैं। अपने यहाँ पे महावितरण का स्टैंडर्ड टेंडरिंग का प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर के तहत ही महावितरण के जो मुंबई में ऑफिस है उसके तरफ से ये सब प्रक्रिया किया जाता है, और उसमें जो एलिजिबल बिडर है उनके ही मीटर खरीदे जाते हैं। तो आप थे अधीक्षक अभियंता दिलीप दोड़की जी, जिन्होंने बखूबी विभागीय से बात करते हुए सभी पहलुओं पे गौर फरमाया और उनने ये कहा है कि किसी भी कंज्यूमर को घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बिल है ये हम आसानी से दे सकते हैं। और इस बिल के बारे में यदि कोई भी शंका हो आपको तो इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उसके ऊपर में आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार से डॉक्टर्स की टीम हो, इंजीनियर्स की टीम हो, नर्सेस की टीम हो, मीडिया हो, जैसे इन लोगों ने कामकाज किया, महावितरण के कर्मचारियों ने एक वॉरियर्स की तरफ लड़ते रहे, कामकाज करते रहे। लोग जो आपने घरों में लॉकडाउन के चलते जो उजाले में जो थे, इसकी वजह एक ही थी कि महावितरण के कर्मचारी एक योद्धा के जैसे काम करते रहे, तब कहीं लोग अपने घरों में उजाले में रहते रहे। अधीक्षक अभियंता के कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।